नमस्कार, कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जहां हम आपके तमाम कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिलवाते हैं। और आज इस कड़ी में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया जी हैं और हमारे साथ है कार्बी कॉम्ट्रेड से रवि शंकर पांडे जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज की बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट में क्या थी। गोल्ड से शुरू करते हैं, जिसने कल के रिकॉर्ड स्तर के बाद आज भी एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया, 35,409 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया। पिछले दो हफ्ते में गोल्ड का ये चौथा रिकॉर्ड लेवल था, पहले 35,100, फिर 35,145, फिर 35,191 और अब 35,409 का नया रिकॉर्ड। दो हफ्ते में चार बड़े रिकॉर्ड गोल्ड बना चुका है। और पूरे साल की बात करें तो गोल्ड में 13% की तेजी दिखी है, लेकिन इसके उलट चांदी जो कि हफ्ते इस महीने में जुलाई भर में 13% के करीब की मजबूती दिखा चुकी है और जानकारों का मानना है कि आगे चांदी में और भी रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि आज 400 रुपये की मजबूती के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हावी हुई, लेकिन जानकारों का मानना है कि उस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए और आगे चांदी में और भी तेजी जारी रह सकती है। और अब बात करते हैं निकेल की, जहां वन वे रैली पूरे महीने देखने को मिली और एक हफ्ते भर में ही एक स्ट्रॉन्ग रैली, अब 13-14% की मजबूती हमने निकल में देखा है, लेकिन ऊपरी स्तर पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार निकल हुआ और अब 1005 के आसपास में निकल वायदा ट्रेड कर रहा है। और बात कॉपर की, जहां एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, 4 महीने से ज्यादा की ऊंचाई पे पहुंच गया है, फरवरी 2019 के बाद का लेवल कॉपर पे दिख रहा है। फरवरी 2019 में कॉपर ने 463 का हाई बनाया था, उसके नीचे उसके आसपास ही अब कॉपर पहुंचता दिख रहा है, 456.45 के आसपास में कॉपर वायदा ट्रेड कर रहा है। अब बात कुछ एग्री कमोडिटीज़ की कर लेते हैं, जिसमें ग्वार सीड और ग्वार गम, यहाँ पे एक तेज़ बिकवाली आज हावी रही। ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। ग्वार सीड वायदा इंट्राडे में 4,300 के नीचे भी फिसला और 4,302 के लेवल पर जाके सेटल हुआ। वहीं ग्वारगम की बात करें तो 8,700 के नीचे फिसल गया और 8,682 के लेवल पर 2.66% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब मसालों की बात कर लेते हैं, यहाँ भी कमजोरी हावी रही। धनिया, जीरा, इन दोनों में गिरावट देखिए और इलायची वायदा जो कई दिनों से तेजी दिखा रहा था वहाँ भी दबाव देखने को मिला। साथ ही धनिया देखिए 2% के करीब गिरावट दिखी और 7,090 के आसपास ये सेटल हुआ है आखिर में जाकर। जीरे की अगर बात करें तो जीरे में भी 0.25% की कमजोरी जीरे में भी देखने को हुई। तो ये तो बात हुई कमोडिटी के शुरुआती अपडेट की कि एग्री मार्केट की क्लोजिंग कैसे हुई और नॉन एग्री में किस तरह का ट्रेड अभी हो रहा है, लेकिन इस ट्रेडिंग में किस तरह से आपको कॉल्स इनिशिएट करने हैं, किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, अगर आप किसान हैं तो किस तरह से आपके स्टॉक्स को रखना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। और आपके लिए सवाल पूछने का भी तरीका बेहद ही आसान है। 022 जो मुंबई का कोड है, साथ ही ये नंबर है 2300-1635 और दूसरा नंबर है 2300-1635। ये दोनों नंबर पे आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवाल। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ है अजय केडिया जी और हैदराबाद से हैं रवि शंकर पांडे जी। आप दोनों का फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले अजय जी आपके पास आते हैं। सोने में चार रिकॉर्ड लेवल हम पिछले दो हफ्ते में बजट के बाद से देख चुके हैं। बजट के दिन जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी तो सोने ने एक पहला रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद बैक टू बैक नया रिकॉर्ड लेवल बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है अब नया पड़ाव सोने के लिए क्या होगा? गुड इवनिंग विश्वमन। डेफिनेटली अगर कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी एक साइक्लिक कमोडिटी रहती है, कभी भी अगर रैली चालू होती है तो 1-to-1 कंटिन्यू चलेगी। और ये हमने आगाज देखा था अक्टूबर 2018 से हमने काफ़ी अच्छी रैली गोल्ड में आते हुए देखी। नो डाउट फरवरी में हमने एक बड़ी गिरावट भी आते हुए देखी है, बट मुझे लगता है कि ये दौर चालू हुआ है। इंटरनेशनल टर्म्स में अगर बात करें तो 1400-1420 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो तोड़ चुके और अभी हमें लगता है कि 1500 तक की लेवल्स हम गोल्ड इंटरनेशनल में देख पाएंगे, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपया फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुपये में जो हमने कमजोरी देखी है इसकी वजह से एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल जो हमने 1900 तक के भी लेवल हमने 2013 में देखे थे उसके मुकाबले आज भी हम डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़े से अपलिफ्टेड है। तो आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि गोल्ड में जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। जिस दिन से यूएस फेड ने क्लियर कट कहा है कि हम 0.5 तक की रेट कट कर सकते हैं और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन रुक रुक के फिर से मार्केट में आ रहा है और साथ में आज हमने जो इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट आती हुई देखी है, ये कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में अगले अगर 15 दिन या महीने भर की बात करें तो 36,000 तक का भी लेवल गोल्ड दिखा सकता है।
यानी इंटरनेशनल मार्केट के लिए $1500 और 36,000 का टारगेट ये एमसीएक्स गोल्ड पर दे रहे हैं। हालांकि इंट्राडे का टारगेट इनका अलग है, वो ट्रेडिंग व्यू से दे रहे हैं। इंट्राडे में केडियाजी का टारगेट है 35,550 का, 35,100 का स्टॉप लॉस लगाना है और 35,250। हालांकि इंट्राडे नहीं है, पोजिशनल भी आपको कैरी करना पड़ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान हमेशा रखें क्योंकि रिकॉर्ड लेवल पे जब भी बाजार होता है तो यहाँ मुनाफा वसूली कभी भी हावी हो सकती है। इसलिए ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें, 35,100 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड करें। आपके पास रविशंकर जी आते हैं, चांदी पे आपकी राय जानना चाहेंगे, चांदी को लेकर ट्रेडिंग व्यू से बताइए क्या करना चाहिए। गुड इवनिंग, चांदी की बात की है तो चांदी में जिस हिसाब से गोल्ड में रैली आई थी, चांदी अगर अंडर परफॉर्म थी, हमने चांदी में भी बढ़त बनती हुई देखी और जिस हिसाब से चांदी में तेजी बरकरार है तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू से अभी तेजी बरकरार रह सकती है। लेकिन पर्टिकुलर आज के सेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है आज के सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर ऊपर में 41,250 के आसपास अगर पुल बैक मिलता है तो हमें लगता है कि आज के सेशन में सेल करना चाहिए, नीचे में 40,850 तक के लेवल आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ये आज के लिए है 41,250 पे चांदी को आपको बेचना है, 40,850 का टारगेट दिया है। ये आज के लिए, ये इंट्राडे के लिए दिया गया है और ट्रेडर्स के लिए दिया गया है। अगर आप चांदी को खरीदना चाहता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको ये फॉलो नहीं करना है, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। और यहां भी स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है 41,450 का। केडिया जी आपके पास वापस से आना चाहेंगे, ये सोने पे ऑप्शंस में कोई ट्रेडिंग बन रही है क्या, क्योंकि जिस तरह के रैली हमने सोने में देख रहे हैं तो इसमें रिस्की हो जाता है यहाँ पे बाई करना, अब यहाँ पे या सेल कोई भी मूव लेना रिस्की है, तो ऑप्शंस ज्यादा है कि आपको पैसे भी कम लग रहे हैं और मुनाफा भी आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, तो ऑप्शंस बायर के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? बिल्कुल ऋषभमन, मुझे लगता है कि वॉलिटिटी अगर आप देखेंगे तो पिछले दिसंबर 2018 में हमने 10 साल के सबसे लोएस्ट वॉलिटिटी गोल्ड में आती हुई देखी, बट पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो वॉलिटिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इंट्राडे में भी अगर देखा जाए तो 400-500 पॉइंट की तेजी मंदी हो रही है। मुझे लगता है ऑप्शन काफी बढ़िया जरिया रहेगा एंट्री करने के लिए। मुझे लगता है गोल्ड 35,300 का कॉल 300 रुपये में लिया जा सकता है, 220 का स्टॉप प्लस रहेगा, इनिशियल टारगेट 450 का है, बट मुझे लगता है अगर ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो ऊपर में 600 से 750 तक के भी लेवल हम गोल्ड ऑप्शन 35,300 के जो स्ट्राइक प्राइस के हैं उसमें देखने मिल जाएंगे। सर ये 35,500 की कॉल है ना, 35,300 की कॉल है 300 रुपए में, 35,300 की कॉल है 300 रुपए, इसका टारगेट आपने एटीएम पे, हम जो करंट एटीएम के स्ट्राइक प्राइस है इस पे हम बाय कर सकते हैं। ऊपर में इनिशियल टारगेट मुझे 450 तक का लगता है। 450 के टारगेट के लिए बेहद ही कम रिस्क के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और एक बढ़िया ट्रेड ये ऑप्शंस में अजय जी सलाह दे रहे हैं। अब कॉलर्स का रुख कर लेते हैं, कई सारे कॉलर्स के फोन आ रहे हैं। सबसे पहले जितेन जी का सवाल ले लेते हैं। जितेन जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार सर, जितेन झा बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ हाँ बताइए क्या सवाल है सर। एक्चुअली मैं आपके प्रोग्राम का रेगुलर हूँ, मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखता हूँ कमोडिटी मार्केट। हाँ हाँ, और कल आपके एक्सपर्ट ने कहा था जो कॉपर में सेल करना चाहिए जी, तो मैंने 447 से सेल किया था कॉपर 2 लॉट। हाँ हाँ, और मुझे आपके प्रोग्राम देखने से काफी फायदे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को, लेकिन आज मैं एक्चुअली में अननेसेसरी गैप अप ओपनिंग हुई है आज कॉपर की, और उस कारण से मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है और काफी लॉस हो रहा है, तो क्या करना चाहिए सर कॉपर में? सर कॉपर में क्या करना चाहिए, हालांकि एक जानकार ने आज दिन के कॉल में बताया था कि अगर 450 के 8 के ऊपर आता है, क्योंकि 450 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल उन्होंने बताया था, आपकी कॉल क्या है अजय जी? देखिए कॉपर में ब्रेकआउट हुआ है, एलएमई पे अगर देखें तो 6,000 का लेवल काफ़ी टाइम से तोड़ा नहीं था, और जिस ढंग से हमने देखा है कि सोनी चांदी में तेजी आई है उसी का असर हमने बेस मेटल में भी थोड़ा बहुत एक सेंटिमेंटल पॉजिटिवनेस आती हुई देखी, तो आई थिंक 458 इंपॉर्टेंट लेवल था, हम भी टारगेट यहाँ पे पकड़ के चल रहे थे, बट ऑलरेडी हमने 458 का लेवल तोड़ते हुए दिख चुके हैं। तो मेरी सलाह रहेगी दो ऑप्शन कर सकते हैं, पहला कि ये यहाँ पे पोजीशन कट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट आया है जो 6200 का लेवल एलएमई पे और डोमेस्टिक मार्केट पे 470 तक का लेवल देख सकते हैं। सेकंड, अगले मंथ में ये पोजीशन बाइंग का कर सकते हैं जिसको हम हेजिंग बोलते हैं, वैसे भी करके चल सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है जब तक 6000 की एलएमई पे और 450 का लेवल M6 पे कॉपर होल्ड है 470 तक का टारगेट देख सकते हैं, तो बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए।
यानी आपको शॉर्ट से निकलने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर इसने मेजर ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस लेवल दो जानकारों ने बताया था जी बिजनेस पर कि 458 एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस किया है, एक ब्रेकआउट लेवल आया है कॉपर पे, अब यहां से 470 तक जाने की भी संभावना है, इसलिए आप अभी शॉर्ट को काट ले, लेकिन 450 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है जी। बिल्कुल, 450 के स्टॉप लॉस से ये बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल पे भी। वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, बट मुझे लगता है कि जिस ढंग से चाइना से जो कंसर्न्स थे अब कूल डाउन हो चुके हैं, इन्वेंट्री लेवल्स भी काफ़ी बेस मेटल के हमने ड्रॉप होते हुए देखे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 470 की तरफ ये दौड़ लगा सकता है अगले हफ्ते तक। यानी आप स्टॉप लॉस का जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 450 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि अब जब एक बेहद बड़ी रैली आती है तो किसी भी साइड बाजार बैठ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस का ध्यान रखकर ये कॉल आप इनिशिएट कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ है, राजू है कर्नाटक से। राजू जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम राजू है, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ जी। तो करंट लेवल से क्रूड ऑयल को क्या करना है सर? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 3855 पे है। रविशंकर जी आपके पास आते हैं, बताइए क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? 3854 है फिलहाल लेवल। देखिए क्रूड की बात की जाए तो क्रूड की आज जुलाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हुई है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन का ही है, डिमांड को लेकर लगातार कंसर्न्स हैं, और जिस हिसाब से यूएस में भी लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि एक डाउन साइड में बैस प्रकार रह सकता है। हाँ, हाल फिलहाल में जिस हिसाब से जियो पोलिटिकल टेंशन है, थोड़ा सा पुलबैक हुआ है, लेकिन इस पुलबैक का फायदा उठा के इन्हें सेल करना चाहिए। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 3910 का एक लेवल रहेगा सेलिंग का, नीचे में 3850 का टारगेट रहेगा और ऊपर में 3940 का एसएल रहेगा। यानी 3910 रुपए पे क्रूड के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को आपको बेचना है, 3850 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 3940 का। अगले कॉलर भी हमारे साथ आ गए हैं, मनीष है अमृतसर से। मनीष जी बताइए क्या सवाल है सर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। सर ऐसा है, गुड इवनिंग सर, सर 5 फ्लोर ना निकल चल रहा है 1035 पे। हाँ हाँ, 900 सी का रेट मिल जाएगा सर? ये निकल आपने 1035 पे क्या किया था? 5 लॉट सेल है सर। 5 लॉट, तो आप तो काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। अजय जी क्या करना चाहिए? रेट मिल जाएगा। अब प्रॉफिट को आपको बुक करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं अभी? और नहीं, होल्ड करना सर। ओके, क्या करना चाहिए अजय जी बताइए? अच्छी प्रॉफिट में है, क्या घर ले जाएं या अभी और हो? आप तो बता रहे थे कि अभी निकेल में वापस से तेजी आ सकती है, क्या तो इनको बुक कर लेना चाहिए क्या प्रॉफिट? देखिए फंडामेंटल अभी भी काफ़ी बुलिश है, जिस ढंग से इंडोनेशिया ने जो बैन है 2022 का बताया जरूर है, लेकिन हमने इससे पहले सालों में भी देखा जब जब ये बैन हुआ है निकल के प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी आई है। नो डाउट आज शुक्रवार है, जनरली एक ट्रेंड देखा जाता है रिवर्स ट्रेड का, जो मंडे से थर्सडे के बीच में जो कमोडिटी तेजी आती है, वो जनरल एक ट्रेंड रहता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में है निकल। मुझे लगता है 995-990 का अच्छा सपोर्ट है, इनको बेटर है शॉर्ट से निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 990 पे बाय करके चलिए। एज ऑफ नाउ इमीडिएट सपोर्ट तो 985 का, बट आई थिंक 970 के रिवाइज स्टॉप लॉस अगर ये होल्ड रखते हैं तो ओवरऑल हमें लगता है 1100 तक का भी लेवल हम निकल में देख पाएंगे। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें, सबसे टॉप पिक रहेगी निकल, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, ये तीन कमोडिटीज मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखा सकते हैं। यानी निकल के कॉल से आपको निकलना ही ज़्यादा बेहतर होगा, और अच्छे प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट भी घर ले जाना चाहिए, बेहतर रणनीति होगी कि आप प्रॉफिट को बुक करें और नए सिरे से जब 990 के आसपास आता है निकल तो वापस से री एंट्री करें और फिर लॉन्ग पोजीशन बनाएं निकल में। और इनकी टॉपिक है कॉपर, एल्यूमिनियम और निकल, यानी तीनों बाई साइड की ही कॉल दे रहे हैं, इन्हें तेजी की ही उम्मीद लग रही है तीनों ही बेस मेटल्स पे। के सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखते हैं, प्रकाश है महाराष्ट्र से। प्रकाश जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, हाँ हाँ बताइए क्या सवाल है सर? सर सोने का जो रेट है सर, हाँ हाँ, अगले महीने तक कम होने की संभावना है क्या सर? 33,000 के पास में। रविशंकर जी क्या लग रहा है, सोने के रेट कम होंगे क्या यहाँ से? देखिए जिस हिसाब से अभी मोमेंटम बना हुआ है सोने में, तो हमें नहीं लगता है आने वाले दिनों में ज्यादा कमी देखी जा सकती है सोने में। ओवरऑल जो ट्रेंड है सोने का बुलिश साइड में है, अभी प्राइसेस लगभग 35,000 के आसपास चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले एक दो महीने में 36,050 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यानी सोने में तेजी का ही नजरिया है, ट्रेडर्स के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है आप इन्वेस्टर है या कुछ खरीदना चाह रहे होंगे सोने को, तो कम होने की उम्मीद बेहद कम है, हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है लेकिन बड़ी गिरावट की उम्मीद सोने में फिलहाल नहीं है, अजय जी ने पहले भी बताया। अगले कॉलर भी हमारे साथ है, अजय आशीष है पुणे से। आशीष जी बताइए क्या सवाल है? विश्वमोहित जी नमस्ते। नमस्ते सर।
मेरा सवाल केडिया जी से है, मुझे एनजी 10-15 दिन के लिए बाय करना है तो कौन से पे बाय करना अच्छा रहेगा? नेचुरल गैस इनको 15 दिनों के लिए बाय करना है अजय जी, किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए? 15 दिन का मेरे को लॉजिक क्लियर नहीं है, बट एनजी में एक ध्यान रखिए, वेदर कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार इन्वेंट्री में हमने ड्रॉप भी आते हुए देखा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीक और एक्सपेक्टेशन। डिस्पाइट डेट हमने देखा प्राइजेस में 160 का लेवल तोड़ के 155-157 का लेवल आ चुका है। बेटर रहेगा इनका थोड़ा व्यू है वो 1.5-2 महीने का अगर लेके चले तो आई थिंक ये मिनिमम रिस्क पे कमोडिटी है जो 155-156 पे एक होल्ड कर रही है। अगर 1-2 महीने की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइजेस 185 से 190 तक का लेवल दिखा सकती है, बट अगर अगले 15 दिन की बात करें तो मुझे लगता है एक दायरा बना हुआ रहेगा 150 से लेके 170 के बीच में। तो आई थिंक 155 का लेवल अच्छा है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करके चलिए 150 के स्टॉप लॉस है जो ऊपर में 168 से 170 का लेवल दिखा सकता है, यानी एक रेंज में बेहद काफ़ी दिनों से घूम रहा है। कई सारे जानकार पहले भी बता चुके हैं 150 से 170 के आस के बीच में ही ज़्यादा घूम रहा है, तो अगर 155 के आसपास आया तो आप एंट्री कर सकते हैं, 150 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि वो उनका रेंज का सबसे लोअर लेवल वही है। अगले कॉलर हमारे साथ है, कैलाश है सदलपुर से। कैलाश जी बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कॉपर में ऐसा क्या बढ़ गया जो ये 400 जाके फिर इतना तेज फास्ट भाग गया? कॉपर में ऐसा क्या हो गया? रविशंकर जी बताइए क्या हो गया? 458 का मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल था, कई जानकार बता रहे हैं कि उसे ब्रेकआउट करके आगे निकला है कॉपर, अब क्या करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, आज जिस हिसाब से गैप ओपनिंग देखने को मिली थी और टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, हमें लगता है कि जब भी इस हिसाब से जब टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फेस प्राइस आती है मार्केट में, वही सिनेरियो भी कॉपर में भी है। हमें लगता है कि मोमेंटम बताया रह सकता है, थोड़ा सा भी नीचे में अगर प्राइसेस मिलता है तो इन्हें बाय करना चाहिए। अपसाइड टारगेट हमें लगता है कि 465 में रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 470 तक जा सकता है। ओके, 465 के टारगेट के साथ आपको बाई करना है। अजय जी ने भी 470 तक के टारगेट दिए हैं कॉपर को लेकर। अगले कॉलर हमारे साथ है, राजेंद्र है हरियाणा से। राजेंद्र जी पूछिए क्या सवाल है आपका? मैं ग्वार सीड के ऊपर पूछना चाहता हूँ, भविष्य क्या रहेगा, ये कितना मंदा और आएगा जी? मंदा क्या जानना चाहते हैं, मंदा या तेजी? इसके अंदर कितना मंदा और आ सकता है, कितनी तेजी और आ सकती है जी? ओके बताइए सर अजय जी क्या करना चाहिए? अगर देखा जाए तो गवार एक रेंज में अटक चुका है पिछले 6 महीने से, 4150 के नीचे नहीं गया और ना ही 4450 के ऊपर जा पा रहा है। पिछले हफ्ते जरूर हमने तेजी देखी जो 4450 तक एग्जैक्टली गई थी, बट आज फिर से हमने देखा कि हायर साइड पे एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि कैश कंशियस की वजह से जब जब प्राइजेस में कोई भी तेजी आती है वहाँ पर इमीडिएट सेलिंग प्रेशर, बट फंडामेंटल इस बार काफ़ी अच्छे। नो डाउट आज की गिरावट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मानसून जिस ढंग से राजस्थान पहुँचा है और बाकी क्रॉप की डेट्स निकल चुके हैं तो एरिया इस बार गवार में सोइंग अभी स्टार्ट हुई है, बट कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि एरिया में जो हम लोग पहले ड्रॉप देख रहे थे कि मूंग में शिफ्ट हो जाएगा या कॉटन में शिफ्ट हो जाएगा, उसकी जगह अब गवार में ही है। तो एज ऑफ नाउ काफ़ी ग्रे पीरियड रहेगा एज ऑफ नाउ, तो मुझे लगता है 4150 से 4450 का जो दायरा है ये 15-20 अगस्त तक कंटिन्यू रहेगा। 20 अगस्त के बाद मुझे लगता है 4450 का लेवल तोड़कर ऊपर में 4800 तक का लेवल आपको सितंबर एंड से अक्टूबर तक दिखा देगा, यानी सितंबर एंड तक अगर आप वेट करेंगे तो 4800 भी ग्वार जा सकता है। हालांकि 4200 से 4600 इसका एक ब्रॉडर रेंज है और 4450 तक का भी रेंज 4200 से 4450 का अजय जी बता रहे हैं। अगले कॉलर है पदम है, पदम बताइए क्या सवाल है आपका? शायद उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। चांदी पर उन्होंने सवाल पूछा है, चांदी में क्या करना चाहिए? रविशंकर जी आपसे तो चांदी पे राय ले चुके हैं, अजय जी आप बताइए क्या कुछ कॉल बन रही है क्या? बिल्कुल, मैं तो पहले भी शो में कभी भी कहा है कि चांदी लेना है तो घर के हिसाब से लेके चलिए। हमने 36,000 से ऑलमोस्ट करीबन 5,000 की तेजी देख चुके हैं, बट ये तेजी अभी थमी नहीं है। गोल्ड सिल्वर रेशियो मल्टी ईयर हाई पे अभी भी पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है ये रेशियो में अगर मीन रिवीजन की बात करें तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 81-82 तक का भी अगर लेवल आ जाता है तो चांदी यहाँ से मुझे लगता है 45,000 से 46,000 का भी लेवल ओवरऑल अगले 6 महीने में दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट टाइमिंग मुझे लगता है आज शुक्रवार है, प्रॉफिट बुकिंग बार बार में हम हायर साइड पे देख रहे हैं, इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है वापस 41,500-46,000 तक का लेवल दिखा देगी, बट इन ऑल लॉन्ग टर्म मैं अभी भी बुलिश हूँ चांदी में। यानी लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश है ज़्यादातर लोग सिल्वर में, और हमने कल पोल भी किया था उसमें ज़्यादातर जानकारों ने 42,000 से 46,000 तक के टारगेट दिवाली तक के लिए दिए हैं। अब वक्त है रैपिड फायर कॉल्स लेने का। अजय जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल कौन सी है?
विश्व मुझे लगता है एनर्जी पैक में क्रूड ऑयल सेल करके चलना चाहिए। कल भी हमने भारी गिरावट आते हुए देखी, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक करंट मार्केट से भी अगर बेचा जाए जुलाई वायदा जो 3800 से 3820 तक का लेवल दिखा देगा। रविशंकर जी आपकी रैपिड फायर कॉल। हमारे हिसाब से नेचुरल गैस में आज के डेट में सेल कर सकते हैं, थोड़ा सा पुलबैक मिलता है 159 का सेल करें, नीचे में टारगेट 154 का रहेगा, एसएलएफ 162 के आसपास करेंगे। अजय जी आपकी आखिरी रैपिड फायर कॉल। देखिए आखिरी रैपिड फायर में मेरा कॉपर था जिसका टारगेट हम 58 का लेके चल रहे थे, बट ऑलरेडी प्राइजेस आ चुके, तो आई थिंक करंट मार्केट से भी मुझे लगता है काउंटर काफ़ी बुलिश है। इंटरडे में टारगेट 60 से 62 का रहेगा, बट ओवरऑल जैसे मैंने पहले ही बताया था 470 के टारगेट के लिए भी लिया जा सकता है। यानी कॉपर खरीदना है और क्रूड और नेचुरल गैस बेचना है। कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन तमाम स्ट्रैटजी पूरी मेहनत के साथ हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। कम्युनिटीज लाइव कॉलर शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।